बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। आजकल भिंडियों का सीज़न भी है, तो बहुत अच्छी फ्रेश भिंडी आसानी से मिल जाती है। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भिंडी ली है हमने आधा किलो, इसको इतने टुकड़ों में हमने काट लिया है। सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करते हैं। ऑयल हमने गरम होने के लिए रख दिया था, तकरीबन एक कप ऑयल डाला है। इसमें हम डालेंगे भिंडी, भिंडी को हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक भिंडी का कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर जो लेस है वो सारी ख़त्म हो जाए और भिंडी अलग अलग हो जाए। हाई फ्लेम पे हमने भिंडियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छी भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये देखें भिंडियों के अंदर जो लेस है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम भिंडियों को निकालते हैं। भिंडियाँ हमने निकाल ली हैं, अब इनको एक साइड पे रखते हैं और भिंडियों के लिए मसाला बना लेते हैं। उसी पैन में हम डालेंगे प्याज। ये दो प्याज लिए थे, इनको इस तरह से बारीक काट लिया है। उसी ऑयल के अंदर हम मसाला बनाएंगे। बस ऑयल थोड़ा सा निकाल लिया है क्योंकि फ्राई करने के लिए भिंडी हमने ऑयल ज़्यादा डाला था। प्याज को अच्छी तरह फ्राई करते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। 2 टमाटर लिए थे, इनके छिलके उतार के हमने छोटा छोटा काट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे तमाम मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खुश धनिया और ये 1 टीस्पून नेशनल का सब्ज़ी मिक्स मसाला। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और मसाला मिक्स हो जाए। 5 मिनट तक हमने इसको कुक कर लिया है। टमाटर गल चुके हैं और बहुत अच्छा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे फ्राई की हुई भिंडी। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि भिंडी हमने फ्राई की हुई है और ये टूट सकती है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब इसको कवर कर देते हैं और 5 मिनट तक दम पे रखते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम भिंडी को चेक कर लेते हैं। भिंडी बिल्कुल गल चुकी है, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकालते हैं। अरे हमारी मसाला भिंडी बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।